भारत में ठंड का प्रकोप जारी है, जिसकी वजह से लोगों को ठंड से बचने के लिए गर्म व ऊनी कपड़े पहनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुंडरी में आज रोमिन गोलन, जो कि प्रसिद्ध समाजसेवी हैं, स्कूली बच्चों को जिनके पास ऊनी कपड़े जर्सियां नहीं हैं उनके लिए समाजसेवी रोमिन गोलन ने 200 ऊनी जर्सियां दान में दिए। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल धर्म सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि कुछ बच्चों के पास इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए ऊनी वस्त्र या गर्म कपड़े नहीं थे और ठंड काफ़ी पड़ रही है, इसलिए बच्चों को कुछ ऊनी वस्त्रों की ज़रूरत थी ताकि हमारे बच्चे ठंड में सुरक्षित रह सकें। आप आए हो, क्या उद्देश्य था आपका? मेरा उद्देश्य यहाँ आने का, जो मेरे प्रदीप सर हैं हमारे गुरु जी भी हैं, तो उन्होंने मेरे को एक दिन बोला था कि कुछ बच्चे गरीब हैं जो ठंड की वजह से अच्छे से स्टडी नहीं कर पा रहे, तो उनको कुछ जर्सियाँ देनी है। तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार बता दो कितने हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला भी 100 से 150 बच्चे हो जाएंगे। तो फिर मैंने बोला भी कोई भी रहना नहीं चाहिए, तो ये बोले कि भी 200 हो जाएंगे। तो मैंने उनको बोला भी 200 जर्सियाँ हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये उद्देश्य मेन उद्देश्य जर्सियों के लिए। तो आज साल का आखिरी दिन भी था, तो इसलिए हमने आज सबको जर्सी दे दी। और भी सामाजिक कार्य करते हो, क्या क्या करते हो? और सामाजिक कार्य है, अब ये ग्राउंड में मिट्टी डलवाने का काम भी किया है थोड़े दिन पहले, क्योंकि खेलों से ही सब कुछ बढ़ता है। तो हमारे गांव में जो पुंडरी है, यहाँ खेलों का फुटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज रह चुका है और अब भी है, तो ग्राउंड की बहुत कमी थी यहाँ पर, क्योंकि ग्राउंड में मिट्टी डलवानी थी, बच्चे अच्छे से खेल नहीं पा रहे थे। तो जो मिट्टी डलवाई है, सभी मिट्टी हमने डलवाई है, तो किसी ने हमारा सहयोग भी नहीं किया, खुद ही डलवाई है सारी मिट्टी। गोविंद जी, पुंडरी में महाकुंभ होने वाला है फुटबॉल का, बांटेगी किस संस्था द्वारा बांटेगी और क्या उसका? हमारे समाज में यहाँ पुंडरी में रोबिन गोलन जी हैं, समाज से भी तो वो काफ़ी हैं, लेकिन ये एक व्यक्तित्व की बात होती है। तो हमने इनको सवाल किया था, कुछ हमारे पास बच्चे हैं जो माता पिता रहित हैं, उनके पेरेंट्स नहीं हैं या उनकी जो इनकम है बहुत ही कम है, तो उन्होंने हमें जो है 200 जर्सियाँ बच्चों को आवंटित की है। तो जरूरतमंद बच्चों को दी हैं या कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जिनकी जरूरत नहीं थी और उनको भी जा रही है? हमने जो है काफ़ी बच्चे जो है जरूरतमंद हैं, लेकिन इन्होंने फिर भी फालतू जर्सियाँ हमें दे दी हैं, तो उन सभी बच्चों को हमने डिवाइड कर दिया। तो लोगों के क्या प्रेरणा चाहते हो? प्रेरणा यही है कि हम जो जितनी समाज सेवा हम करेंगे, तो उससे समाज जो है, जो गरीब बच्चा है वो आगे उठ करके पढ़ाई करेगा।